आप जो है आमदार के पीछे पीछे घूमते हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने जो है आपका वजूद खो दिया है? रहूंगा जितेंद्र अवार्ड के तो बगल में ही खड़े रहूंगा, और विरोध में खड़े रहूंगा, सामने खड़े रह के विरोध करता हूँ। मेरी बोलने की ताकत है और मुझे कोई रोक नहीं सकता मेरे बोलने पे। ठीक है, देखो खड़े लाइन से सब एक लाइन से बरकतुल्ला अहमदुल्ला ये उल्ला, तो क्या पैसा मेरे पास हराम का है क्या? कमी है? आज आप सच नहीं बोल रहे, आप यहाँ शायद नहीं बोल रहे। सुनिए, शायद मेरी सच कब बोलेंगे? शायद मेरी ये कमी चुनाव के बाद बोलेंगे आप। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आज आमने सामने में वो शख्स हमारे साथ मौजूद है जो मुमरा को बनते सवरते बहुत नजदीक से देखा है और बहुत कुछ मुमरा वासियों के हक में किया है, आंदोलन भी किया है, गलत को गलत सही को सही बोलने वाले सैयद अली भाई साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है, हर संडे को आमने सामने में एक नया चेहरा सामने होता है। सैयद अली भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि प्रहार टाइम्स में आपने मुझे बुलाया। सैयद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सैयद घराने से हैं, आप जो है हर मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, सही को सही गलत को गलत जो है बोलते आ रहे हैं, लेकिन जो है आपने मुमरा को बहुत नजदीक से देखा है, तो मुमरा को बनते सवरते तो क्या मुमरा में हुआ है क्या नहीं हुआ है, इस बारे में बोलिए। जिस वक्त मुमरा के पुराने हालात थे, जिस वक्त मुमरा को हमने बनते हुए देखा है, तो मुमरा के हालात बड़े दर्दनाक थे। लाइट नहीं रहती थी, 6-6 दिन 7-7 दिन लाइट नहीं रहती थी, बाईपास हाईवे का इश्यूज था, शहर से गाड़ियां पास होती थी, एक्सीडेंट्स होते थे, स्टूडेंट बच्चे छोटे छोटे एक्सीडेंट में मर जाते थे। जब मैंने इसका क्वेश्चन असेंबली के अंदर उठवाया तो उस वक्त 332 मौतें हुई थी और 1700 रेती बंदर से लेके मुमरा के क्रॉस होने तक एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसमें टांग गई, हाथ गया, इस तरीके का इशू था। और शहर बनने के लिए बड़ा और आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी, खास करके 1993 के दंगे के बाद, बाबरी मस्जिद शहादत के बाद, जहाँ से मैं एक्टिव हुआ राजनीति में, रिहायशी इलाका एकदम फुल हो गया था, लेकिन एमिनिटीज़ के नाम पे ज़ीरो था। पानी नहीं रहता था, लाइट नहीं रहती थी, कोई चीज़ प्लेग्राउंड वगैरह तो सोच ही नहीं सकते थे, तो बड़े हालात ख़राब थे शहर के। आप जितेंद्र अवार्ड से काफ़ी नाराज़ थे और अचानक में जो है जितेंद्र अवार्ड के जो है आप प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए, तो कहीं ना कहीं जितेंद्र अवार्ड ने आपको कोई मंत्र तो नहीं फूंक दिया है आपके ऊपर? देखिए, मंत्र तो आपने कहा पहले कि मैं सैयद हूँ, ये जादू टोना मेरे ऊपर नहीं चलता क्योंकि मैं खुद ही फूंकता हूँ। तो फिर आप कैसे जो है उनका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया अचानक में? ऐसा नहीं है, आपने अगर पिछला पार्लियामेंट का भी चुनाव देखा हो गया तो मैं पार्लियामेंट का भी चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहा था। मेरा इश्यूज के ऊपर लड़ाई हो रहती है और शायद मुमरा कौसा के अंदर मैं वाहिद एक आदमी हूँ कि जो जितेंद्र अवार्ड से बेफिक्र होकर बात करता हूँ और इश्यूज पे बात करता हूँ। मैंने 35 साल शहर को दिया है, 35 साल डे नाइट सर्विस इस शहर के अंदर। अगर रात में पुलिस 2 बजे खटखटाती थी ना, तो सिवाय सैयद अली के अलावा कोई बोलने वाला इस शहर में नहीं था। और मेरी ये ताकत है कि जितेंद्र अवार्ड मेरी बात को मानते हैं। अलाउद्दीन का चिराग हो जाए तो नहीं हो सकता। बदलाव क्या है? मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ कमियां रह गई, वो भी पूरी की नहीं। बदलाव क्या, स्टेडियम वो भी अभी अधूरे पर ही है, उसमें भी कुछ काम बाकी है। अब आप जो है चौपाटी की बात करिए, सपने में नहीं सोचा था जितेंद्र अवार्ड कहते हैं, वो भी आधार में लटका है। आप अभी आप बात करिए जो है हॉस्पिटल की, 100 बेड की हॉस्पिटल की, 2 महले की हॉस्पिटल थी, 1 ही महला बनाया गया, वो भी कंप्लीट नहीं है, तो सब आधार में ही लटका है ना भाई। ऐसा है कि स्टेडियम हमारा कंप्लीट है, स्टेशन हमारा कंप्लीट हुआ, चौपाटी का काम चल रहा है, दुनिया भर का कोर्ट हाई कोर्ट का मामला रहता है कि जिसके अंदर CRZ का प्रॉब्लम आ जाता है, नई पॉलिसीज गवर्नमेंट की बदलती, केंद्र में गवर्नमेंट बदलती है, उसकी पॉलिसीज आ जाती है, उसके अंदर रुकावट आती है। 10 सालों से यही कहते चले आ रहे कि हॉस्पिटल बन गया, हॉस्पिटल बन गया, अभी तक बना नहीं हॉस्पिटल। ऐसा है कि उन्होंने ये भी कहा रोड वाइंडिंग कर दिया हूं, अभी रोड चौड़ा हो गया, यहां से बस चलेगी कहां। अभी आज आप देखिए जाकर तो वहां पार्किंग बनी हुई है। कि आप ये सोचेंगे कि सब चीज एकदम हो जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिर क्यों दावा करते हैं, मोहर क्यों लगाते हैं हर काम में, मोहर क्यों लगाते हैं? मोहर इसलिए लगाते हैं कि हमने वो चीज पे प्रयास शुरू कर दिया और वो चीज कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही है और कुछ टाइम लगेगा वो भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब अधूरा काम करके मोहर लगा देने का? ऐसा नहीं, 5 साल समझने को शहर के अंदर जाता है, 5 साल तो 10 साल तो हो गए। पैसा लाना खाने का काम नहीं है फिरोज भाई, हमने सेवा किया है,
सेवा माध्यम किया, तो सेवा किया तो मेवा क्या दिया है मुमरा कौसा वासियों को? क्यों नहीं दिया? आज सारे के सारे रोड्स बन गए, सारे के सारे रोड का कॉन्क्रीट वो जितेंद्र रावत के फंड से बने हैं। मैं ऐसा नहीं, आप बताइए उसके पीछे ताकत किसकी थी? 15 साल 20 साल लोग नगर सेवक थे, एक रोड नहीं बना पाए अपने एरिया में। मेरी तो एक मांग थी कि महानगर पालिका ही अलग कर दो, ताकि हम अपने पैसे का जो टैक्स भरते हैं, हमारे कर वसूली होती, घर बंद होता है, घर के अंदर लॉक लगाया जाता है, सारा पैसा देने के बाद पैसे विकास कहाँ होता है? उत्तर सल घोड़बंदर रोड के ऊपर हमारे पैसे को आप वहां ट्रांसफर करते हो, हमारे पैसे को आप खाली मुमरा कौसा के अंदर, तो मुमरा कौसा बन जाएगा। आप ये चीज को क्यों नहीं कहते कि 18 नगर सेवा कोई काम के नहीं है, वहां महासभा बोलते ही नहीं है, इसलिए यहां पे विकास नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं बोलते आप? मैं ये बोलता हूं कि कोई बोलता है नहीं बोलता है वो आम जनता का सवाल है, कि आम जनता क्यों नहीं पूछती कि आप क्यों नहीं बोलते। बात यहां पर है, विधायक जितेंद्र अवार्ड ने क्या किया है? विधायक जितेंद्र अवार्ड ने जितनी ताकत से मुमरा के अंदर मेहनत करके और जिस तरीके का पैसा लाया, देखिए आरोप तो लगाना सबका काम है। नहीं, यानी महानगर पालिका से जितेंद्र अवार्ड वहां पे जो है महासभा में लड़के लाए, वहां से महासभा में नहीं लड़के लाए, कमिश्नर को प्रेशर देके एक आमदार प्रतिनिधि होता है, वो चाहे महानगर पालिका के माध्यम से, चाहे प्रताप सरनाई को, चाहे जितेंद्र अवार्ड हो, चाहे एकनाथ शिंदे साहब हो, चाहे पालक मंत्री है ना अभी वो, लेकिन फंड लेने के लिए वो कहाँ जाते हैं? चलिए मान लिया आपकी बात, लेकिन जितेंद्र अवार्ड ने राज्यसभा से क्या लाया, अपने फंड से क्या बनाया मुमरा के अंदर, वो बताइए मुझे। अपने फंड से क्यों नहीं, अपना फंड उन्होंने नगर सेवकों को दिया उनके एरिया को डेवलप करने के लिए। तो नगर सेवक क्या कर रहे हैं? हर नगर जब आप वो हर अपने नगर सेवक को दे रहे तो नगर सेवक फिर क्या कर रहे हैं? एक बात सुनिए, मैं 2 लाख रुपए के लिए हमारे गणेश नाइक साहब जो है पालक मंत्री थे, और मैं तब नगर सेवक था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। मैं 2 लाख रुपया मांगने गया था, 2 लाख वो भी नहीं मिला था। जितेंद्र अवार्ड आने के बाद 20-20 लाख रुपया उनके फंड से उन्होंने डेवलपमेंट के लिए दिया, और 5-5 लाख 7-7 लाख 10-10 लाख जो जिस हिसाब से रहता है उसको हर साल 20 लाख रुपया एक्स्ट्रा मान के चलिए कि सारे नगर सेवकों को उनकी निधि में से ही बांटा जाता है। मतलब आप एक बात यहाँ पर साफ कह दिए कि मतलब कि जो यहाँ पर विकास हो रहा है वो जितेंद्र अवार्ड के फंड से हो रहा है, और नगर सेवक जो फिर हाथ बांध के बैठे हैं। ऐसा नहीं, नगर सेवक का जो काम है वो नगर सेवक बखूबी निभा रहे हैं, ज्यादा पैसा लाने का किया है ईमानदारी। भाई साहब, आप जो है आमदार के पीछे पीछे घूमते हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने जो है आपका वजूद खो दिया है? देखिए एक बात सुन लीजिए, वजूद वजूद खोने की बात ये सब बेकार है, क्योंकि वो जमन तो शाह वो जिल मन तो शाह किसी के खर्चे पे सही दिल्ली राजनीति नहीं करता है, बात समझ गए ना आप। और सुन लीजिए, एमएलए की बात है ना, तो जितेंद्र अवार्ड हमारे लोकल एमएलए है ना, और ऐसे जब मैं आगे जाता हूँ ना, तो ऐसे 20 MLA भी जो है ना सईद अली को सैयद साहब करके ही बुलाते हैं। जितेंद्र अवार्ड को लाया हूँ मैंने, पहली सभा में भी बोला था कि 5 साल फिर 5 साल और फिर 5 साल, शायद मेरी जबान पूरी हो गई, 15 साल हो गया। जितेंद्र अवार्ड ने ठोस ऐसा काम क्या किया है जिसको लेकर आप जो हमेशा उनकी जो है फेवर करते हैं, क्यों इतना फेवर कर रहे हैं आप? भिवंडी देखा आपने? भिवंडी देखा, मुसलमानों का शहर है, आप जाके वहां के हालात देखिए। ये तो कलवा मुमरा एक ऐसी कॉन्सिस्टेंसी बन गई है कि एक तरफ पूरे मुसलमान, एक तरफ पूरे हिंदू। और एक बात सुन लो फिरोज भाई, चमचागिरी में तो मैं किसी के बाप को भी एक शब्द नहीं बोलने वाला हूं, ये अपनी फितरत में नहीं है। भाई साहब, जिस तरह से देखा गया है, कभी आप जो है एनसीपी यानी जितेंद्र अवार्ड का विरोध करते हैं तो कभी आप जो है जितेंद्र अवार्ड की जो है समर्थन में उतर जाते हैं, उनकी तारीफें करना चालू कर देते हैं, ये क्या है? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ना मुझे कोई खरीद सकता है ना मुझे कोई बेच सकता है। मेरा अपना एक मिजाज है और मेरा अपना एक करैक्टर है और मेरे एक घराने का करैक्टर है, तो जहाँ गलत रहता है वहाँ कोई भी रहे मैं बोल के निकल जाऊँगा, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आएगी मैं उठ के चले जाऊँगा, और जो चीज़ मुझे पसंद आएगी वहाँ बगैर बुलाए भी मैं आ सकता हूँ। ये मेरा अपना एक निजी वो है, मैं हमेशा अपने शहर के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए ईमानदारी से, ये नौटंकी नहीं,
नौटंकी मुझे पसंद ही नहीं। अभी तक लोग कह रहे हैं कि आप जो है नौटंकी ही करते आए, कभी जो है जितेंद्र रावत से नाराज हो जाते, फिर कभी जितेंद्र रावत की इसको नौटंकी नहीं कहेंगे फिरोज भाई, फिर क्या कहेंगे? इसको मर्द गांधी कहेंगे कि लड़ता हो तो बात बोलता हूँ अपनी, फिर जुड़ जाने क्यों, मेरी पार्टी है, प्रचार करने का, मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी है, मेरी मर्जी, मेरी पार्टी में मैं नाराजगी है। लेकिन आवाम गुमराह हो जाती ना, आवाम देखिए, आवाम गुमराह नहीं होती, आवाम समझती है कि सईद अली अशरफ जब बोलता है ना, आवाम जो है भाई साहब नहीं चलती, आवाम आवाम जो है ये देखती है कि भाई साहब क्या बोलते हैं। भाई साहब ने अगर जितेंद्र रावत के खिलाफ बोला तो जितेंद्र रावत के खिलाफ अगर भाई साहब ने बोला तो भाई साहब के समर्थन में लोग उतर जाते हैं। मैं 24 घंटा घूमने वाला कार्यकर्ता नहीं हूँ, मेरा अपना भी वसूल है, मेरा अपना भी जर्फ है, मेरा अपना भी काम है, मेरा अपना भी धंधा है। खड़े रहूंगा जितेंद्र रावत के तो बगल में ही खड़े रहूंगा, और विरोध में खड़े रहूंगा सामने खड़े रह के विरोध करता हूँ। मेरी बोलने की ताकत है और मुझे कोई रोक नहीं सकता मेरे बोलने पे। भाई साहब जो है शहर में ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर भाई साहब खामोश हो जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं जितेंद्र रावत से भाई साहब डरते हैं क्या? डरा तुम्हें किसी के बाप को नहीं, सुन लो, मैंने जब राजनीति शुरू किया था ना तो इस शहर में बहुत बड़े बड़े गुंडे थे, लोग बोलते थे सईद अली का मर्डर हो जाएगा, बोला तो मैं सुभाष भोईर के भी खिलाफ हूँ, बोला तो मैंने नईम खान के भी खिलाफ हूँ, जब आदमी पेशाब कर मारता था उनके गुहकार से, तो मैंने कभी किसी को गिना उना नहीं, मैं स्टूडेंट मोमेंट से राजनीति में आया हूँ, मैं किसी का चमचा बन के राजनीति में नहीं आया हूँ। भाई साहब आप सच को सच बोलते हैं, सच बोलने वाले भाई साहब जो है वो शहर में कई मुद्दों पर क्यों खामोश हो गए? एक बात सुनिए, काम खामोश रहा ना हाँ। तो जो विपक्ष था उसको एक मुद्दा मिला था, करना चाहिए था ना, आप कुछ उसमें क्यों नहीं बोले? आप जो विपक्ष बोल रही थी, मैं क्यों नहीं बोल रही थी, लेकिन आप खामोश क्यों थे? ऐसा है, देखिए एक बात सुनिए, यानी आपकी पार्टी थी इसलिए आप खामोश थे? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आपने आमदार बुलाया इसलिए खामोश थे आप? एक बात सुनिए, कैसा है कि जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं आप जो है पीछे हट गए, तो मैं भी थोड़ा पीछे हट के ही देख रहा था कि जो ताजे लोग आए हैं, जो नए नए आए हैं, जो अपने आप को सर्वे सर्वा इस शहर का समझने लगे हैं, जरा इनके पास भी तो कुछ काम होना चाहिए ना। अरे हमने तो उस वक्त लड़ाई लड़ा है फिरोज भाई, मैं जिस वक्त जो है ना मगरिब के बाद अंदर हो जाते थे लोग डर के मारे, फिरोज भाई इतनी राजनीति हो गई, मैं तो ये समझता हूँ कि जब हम आज के 20 साल पहले राजनीति करते ना तो बड़ी अच्छी राजनीति थी, अब राजनीति का कोई स्टैंडर्ड नहीं रह गया, इसीलिए आप बोलते हो ना कम दिखते हो ना, इसीलिए मैं कम दिखता हूँ। ठीक है, देखो खड़े लाइन से सब एक लाइन से, बरकतुल्ला अहमदुल्ला ये उल्ला ये उल्ला, तो क्या पैसा मेरे पास आराम का है क्या? जो दिल में सच है वही है, मैं रोली बैनर लगवा देने का सच का मोहर, ऐसा थोड़ी नहीं है, सच का मोहर है ना, मोहर मोहर है ना, किए है ना, किए है ना, खाली पोस्टर पे। अरे यार जब मकान लेते हैं जमीन पे कहाँ है? भाई साहब आप सच कब बोलेंगे? सच बोलेंगे या खामोश रहेंगे या फिर चुनाव के बाद बोलेंगे? कब बोलेंगे आप सच? आप बोल ही नहीं रहे। मैं हमेशा बोलूंगा, अभी भी, अभी आप जो है जितेंद्र रावत की तारीफ कर रहे हैं, सच कब बोलेंगे आप? अभी भी बोलूंगा, उसमें मैं बोलता ही हूँ, मैं किसी को छोड़ता ही नहीं, शायद मेरी एक कमी है। आज आप सच नहीं बोल रहे, आप यहाँ शायद नहीं बोल रहे, सुनिए शायद मेरी, सच कब बोलेंगे? शायद मेरी ये कमी, चुनाव के बाद बोलेंगे आप? शायद मेरी ये अक्सर देखा गया है चुनाव में आप खामोश, शायद मेरी ये कमी है या मेरी बहादुरी है, मैं बोलता ही हूँ, और शायद मेरे बोलने से ना काफी लोग जो है ना, मैं खुद मानता हूँ कि मेरे बोलने से बहुत से लोग जो है वो कहीं ना कहीं मुझसे चिढ़ते भी। एमएलए जितेंद्र रावत को नाक में दम कर डाला मैंने, दो साल ढाई साल से टूटी हुई दुकानें थी, लड़ के कमिश्नर से करवा के दुकानों का लेटर मिल रहा है, जाइए पता लगाइए आप। आफ्टर चंद्रशेखर जो कमिश्नर थे उन्होंने जो कार्रवाई किया था, रोड बाइंडिंग किया था, उन लोगों को दुकान तक मिली रही, चाबी मिली, दुकान खुली। मुमरा के पुराने 20 साल पुराने विस्थापित, सुनिए, विस्थापितों को हमारे नेतृत्व में, जितेंद्र रावत के नेतृत्व में, मेरी लड़ाई होने के नेतृत्व में सारी दुकानों का उनको मिला, लगभग हमारे सौ पुराना मुमरा भाई ने, मेरे को याद है फन्नू कौन है, खाला कौन है, मामू कौन है, कौन सा कुरैशी है, कौन सा शेख है, ये मेरे को नाम मुंह में याद है, उनको 20 साल के बाद जितेंद्र रावत की जिम्मेदारी नहीं। मान लिया आपकी बात मैंने कि 20 साल पहले जो तोड़ा गया था वो मिल रहा है, लेकिन ये जो रोड वेंडिंग में अभी 4 साल 3 साल पहले जो तोड़ा गया उसको कब मिलेगा? ये भी 20 साल लगेगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, 20 साल लगेगा। सुन लीजिए, आपको खुशखबरी देता हूँ, आपको खुशखबरी देता हूँ, मैं कुछ काम बजाता हूँ तो ही आता हूँ, नहीं तो आपके यहाँ नहीं आता था मैं।
जितनी दुकानदारी दुकान टूटी है सबको, देखिए इधर सिख कबाब वाले की दुकान थी, आप जाइए आज शाम में प्रहार टैंक्स लेके, उनको अलॉटमेंट मिल गया, जो वेंडिंग के बाद जो खत्म होती है उनकी 6 दुकानों का उनको परमिशन मिल गया, आप आज शाम में निकल जाइए और उसके बाद एक फोटो लगाइए मेरा और जितेंद्र रावत का कि इनको दुकानें नहीं मिली है। आप बड़े खुश होते जब मैं जितेंद्र रावत की बुराई शुरू करता था, मेरे को तो अब ये लग रहा है कि मैं जितेंद्र रावत को खूब बुरा भला बोलता था, जो सच है वो बोलिए, बुरा भला सच बोल रहा हूँ, बुरा बार बार सच बोल रहा हूँ कि मैं उसके साथ लड़ूंगा, आंख में आंख डाल के बात करूंगा, जो सच है वो बोलूंगा, लीडर है तो बताऊंगा और नहीं तो रास्ता बदलूंगा। तो संजय जायसवाल साहब ने जो कार्रवाई किया, रोड वेंडिंग किया, उनको हक कब मिलेगा, आप ये बताइए, आज बताइए आप। देखिए संजू जायसवाल दादा है, ये मैं बोलता हूँ, मैं कमिश्नर के खिलाफ तब भी था, अब भी हूँ और रहूंगा। अब तक उसके कोई भी मीटिंग हुई मैं कभी गया ही नहीं, सत्कार हुआ मैं कभी गया ही नहीं, क्योंकि मेरे को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं है। वो पब्लिक को जानवर समझता है, लीडर को नौकर समझता है, कारपोरेटर्स को वो समझता है कि बस हाथ बांधे खड़े रहो। एक कमिश्नर की, एक आईएएस की ये आइडियोलॉजी है, इसके लिए मैं उसको कभी पसंद ही नहीं करता और मैं कभी उससे बात भी नहीं किया, कभी हाथ भी नहीं मिला। तो फिर हक कैसा दिलाएंगे आप? दिलाए ना, कैसे दिलाएंगे जब बात नहीं करेंगे? संजीव जायसवाल से अगर बात नहीं करेंगे, अरे लड़के दिलाए, अरे अवार्ड लड़ेंगे आप? अवार्ड साहब को, अवार्ड साहब ने जाके बात किया, अवार्ड अवार्ड साहब को बोले, मैं बोला आप आमदार हो, अभी तुम आमदार हो, ये 20 साल की भी जिम्मेदारी अपनी है, ये 20 साल की भी जिम्मेदारी अपनी है, ये बेचारे अंडा बेचने वाले, ये छोटे छोटे गोश्त के वो बेचने वाले, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ ना, इनको अपन नहीं दिलाएंगे तो कौन दिलाएगा? और वो मेरी बात पे लब्बैक बोले और मेरे साथ चले और लड़े। भाई साहब जो है अभी कुछ हफ्ते पहले शमीम खान साहब इसी जगह पर मौजूद थे आमने सामने में, उन्होंने कहा कि जो है आइडियल मार्केट में दुकानें खुल गई हैं और जो है आप जाकर वहां देख लीजिए, अगर दुकानें बंद होंगी तो मैं मुमरा छोड़ दूंगा। आज हमने उसके बाद उस आइडियल मार्केट में गए तो वहां पर पता चला कि सारी दुकानें बंद है, सिर्फ लेटर उनको मिला है। नहीं तो शमीम भाई ने अगर बोला है तो ऐसा नहीं कि शमीम भाई जिम्मेदार आदमी है। शमीम भाई हमारे जो ऑपरेशन में, मतलब पब्लिक को लॉलीपॉप देने का, नहीं नहीं नहीं, कारपोरेशन के गुड़े भाग को समझ नहीं पाते। हम नगर सेवक है, ये जो नगर सेवक होंगे मुमरा का उस समय, उनको मालूम है कि कारपोरेशन क्या चीज है। जाओ आपका हो गया आप ले लो, और शमीम भाई आके इंटरव्यू दे दिए। कारपोरेशन के गुड़े भाग को समझ नहीं पाते। हम नगर सेवक है, ये जो नगर सेवक होंगे मुमरा का उस समय, उनको मालूम है कि कारपोरेशन क्या चीज है। जाओ आपका हो गया आप ले लो, और शमीम भाई आके इंटरव्यू दे दिए। आप अभी टोरंटो पे बात करने वाले, मेरे को मालूम है टोरंटो भी गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी है हम आंदोलन कर देंगे, 20-50 बच्चों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे, उनके घर परेशान हो जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं, सब टोरंटो आएगी, सब प्राइवेट होने वाला है सब। और सुन लीजिए, वो जितेंद्र आवाड ने, जितेंद्र आवाड जैसे 50 नगर सेवक राष्ट्रवादी के भी विरोध करेंगे तो कुछ नहीं, 50 MLA भी विरोध करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हम रोकना भी चाहें तो हमारे हाथ में नहीं रहेगा। लेकिन भाई साहब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो वो सब जगह पे लागू होना चाहिए, सिर्फ मुमरा में ही लागू हो रही है ना, सिर्फ मुमरा कौसा में। देखो धीरे धीरे सब तरफ लागू हो रही है, अब अपने गांव में भी शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश के कोई। आप बताइए थाने में कहां लगी है? कहां थाने में? थाने में बताइए आप कहां थाने में? थाने में कहां लगी है? मतलब कहीं ना कहीं जितेंद्र रावत फिर कमजोर है। मैं खुद टोरंटो के मुखालिफ हूं, मैं उसके मुखालिफ मूवमेंट का एक सदस्य हूं और उनके मुखालफत में जितनी भी बात करते हैं उसके अंदर मैं मौजूद रहता हूं, मैं इसके खिलाफ हूं और रहूंगा। आप देखते थे मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज, ऐसा लग रहा था कि जैसे जो इसके विरोधी लोग थे, दशरथ पाटिल साहब थे, वो थे मुकदम साहब थे, सारे लोग थे, वो जिस तरीके की बात कर रहा था ऐसा लग रहा था कि जैसा हम लोग पता नहीं कौन से देश से आए, पता नहीं कौन से मुल्क से आए, तो ये पॉलिसी नहीं तो उनकी क्या है। चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन सिर्फ मुमरा को टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो आमदार अगर ज्यादा एक्टिंग करेगा तो लाठी मार के बंद कर दिया जाएगा, और बीजेपी गवर्नमेंट है ये किसी को इज्जत की निगाह से देखता नहीं। डर से वो भी हाँ में हाँ मिला के बैठे, हाँ में हाँ नहीं, विरोध जितेंद्र रावत ने भी किया, लेटर भी दिया, सब कुछ किया है ना, लेकिन उसके आगे बच्चू को मारपीट के बच्चू कोड़ू को अस्पताल में पहुंचा दिया, देखने भी लोग नहीं कि
पड़ा है अस्पताल में, टांग टूट गई। मतलब आप जिस तरह से बता रहे हैं यानी कि मुमरा वाले आप खामोश हो जाएं, टोरंटो तो आएंगे। ऐसा नहीं है, लास्ट तक हम विरोध करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सैयद अली भाई साहब जो अपनी बातों को रख रहे थे मुमरा कौसा में जो विकास और जो विनाश थी उसके बारे में भी बात की उन्होंने, जो है बहुत सारी बातें की। लेकिन आप देखते रहिए इसी तरह से हर संडे हमारी ये एपिसोड प्रहार टाइम्स का आमने सामने देखना ना भूले। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।